हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो गाइज, थैंक यू सो मच आपने मेरे चैनल पे विजिट किया। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल पूरा विजिट करिए। आपको काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो डे टू डे बेसिस में आपको आपकी व्हीकल के फीचर्स बहुत सिंपल वे में समझने में और उनको यूज करने में हेल्प करेंगे। ये सब फीचर्स वीडियोस की देखने के बाद अगर आपको चैनल यूजफुल लग रहा है तो रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको अगर वन टू वन बेसिस पे कोई भी चीज पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए डेफिनेटली आप कमेंट करिए, उसका मैं आंसर कर दूंगा। तो चलिए, जैसा कि आपने देखा कैप्शन, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफी लोगों का फीडबैक आ रहा है, कमेंट आता है, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी डीएम आता है कि मेरे गाड़ी में स्मार्ट लिंक चलता नहीं है, टोयोटा स्मार्ट लिंक डिवाइस चलता नहीं है। तो स्मार्ट लिंक डिवाइस सही में चलता है क्या, चलेगा क्या, या अगर चलेगा तो कैसे चलेगा, या अगर नहीं चलेगा तो इसके बदले में आप क्या यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें आज के वीडियो में मैं कवर कर लूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट लिंक डिवाइस अवेलेबल नहीं है इंडिया के कोई भी टोयोटा मॉडल में, आपको स्मार्ट लिंक डिवाइस नहीं मिलेगा। आप भले फिर इनोवा क्रिस्टा में बैठिए या फॉर्च्यूनर, लेजेंडर, ये सारी गाड़ियों में बैठिए, स्मार्ट लिंक डिवाइस उसमें दिखाता है म्यूजिक सिस्टम के डिस्प्ले में। आपको मैं अभी भी दिखा दूं कि यहाँ पे आप एप्स में जाएंगे तो आपको टोयोटा का स्मार्ट लिंक दिखता है, बट ऐसा कोई भी फीचर इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो अगर अवेलेबल नहीं है तो आप फोन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उस फीचर्स और जो फोन जो कनेक्ट करने के बाद कौन सा फीचर आप यूज कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, बेसिकली इंडिया में आपको मिलेगा यूज करने के लिए एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। उसको कैसे यूज करना है उसकी पूरी डिटेल मैं आपको ये वीडियो में दे दूंगा और क्या क्या सीनेरियो में वो काम नहीं करता है, और जब वो काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे तो वो काम करेगा, वो भी चीजें मैं इसमें बता दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनोवा अगर है तो आपको यहाँ पे यूएसबी कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब जो मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ उसके बाजू में एक आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट के पीछे आपको यूएसबी का स्लॉट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको यूएसबी कनेक्ट करना है, ना ही के यहाँ पे फ्रंट में। ये बेसिकली चार्जर है, इसमें आप अगर कनेक्ट करोगे तो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले काम नहीं करेगा। बट अगर आप फॉर्च्यूनर में है तो फॉर्च्यूनर में आपको ये जो यूएसबी का कनेक्शन है वो आगे मिलता है। फॉर्च्यूनर के केस में आपको यूएसबी केबल आगे लगाना है, इनोवा के केस में आपको यूएसबी केबल यहाँ पे आर्मरेस्ट में जो लेफ्ट साइड है ड्राइविंग सीट के वहां पे लगाना है। अब जब आपने केबल कनेक्ट कर लिया, अब आपको आपका फोन पैर करना है। जैसे ही आप आपका फोन पैर करेंगे वो आपसे परमिशन मांगेगा। अब जैसा आप देख सकते हैं मैंने फोन पैर किया, अब वो परमिशन मांग रहा है, एंड्रॉयड ऑटो के ट्रांसफर के फाइल्स की परमिशन दे दिया गया। बट अब अगर इसमें आप देख रहे हैं, मैं तो बोल रहा था कि स्मार्ट लिंक चलेगा नहीं, बट इसमें स्मार्ट लिंक का पॉपअप आ गया। आप उसे जब व्यू करेंगे, व्यू करने के बाद वो डायरेक्टली आपको टोयोटा स्मार्ट लिंक डिवाइस इंस्टॉलेशन वाले पेज पे ले जाता है। इसे आप इंस्टॉल भी कर सकते हो और इंस्टॉल करने के बाद बोलेगा कि ये फीचर इंडिया में अवेलेबल नहीं है और ये फीचर डेफिनेटली आप यूज कर ही नहीं पाएंगे। तो ये क्यों आता है स्मार्ट लिंक का पॉपअप, मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली ये फीचर ऐसा स्मार्ट लिंक डिवाइस कुछ भी अवेलेबल नहीं है। दो चीज जो अवेलेबल है वो मैं आपको बता चुका हूँ, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। सो अगर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले यूज करना है और केबल कनेक्ट करने के बाद स्मार्ट लिंक पे आपको म्यूजिक सिस्टम लेके जा रहा है, तो मतलब आपका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले बंद है। अब उसे ऑन कैसा करना है वो मैं बता देता हूं। तो जैसा कि मैं आपको सबसे पहले होम स्क्रीन पे ले गया, आपको जाना है मेन्यू पे। मेन्यू पे जाने के बाद आपको दिख रहा है यहां पे सेटअप। सेटअप पे जाने के बाद जब आप देखेंगे आपको एक सेटिंग दिख रही है, प्रोजेक्शन सेटिंग। प्रोजेक्शन सेटिंग में जैसा आप देख सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों बंद था, ऑफ दिख रहा है आपको, इस वजह से वो आपको स्मार्ट लिंक पे लेके चलेगा जो फीचर अवेलेबल नहीं है। अब मैं एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को ऑन कर दिया है और अब मैं केबल एक बार निकाल के वापस से लगा देता हूँ। तो जब अब मैं केबल लगाऊंगा आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली एंड्रॉयड ऑटो पे सिस्टम चले जाएगा परमिशन देने के बाद। सो जैसे अब मैं परमिशन दूंगा, नेक्स्ट करूंगा, आप देख सकते हैं क्या हो रहा है चेंजेस। म्यूजिक सिस्टम में डायरेक्टली मैसेज आ गया, एंड्रॉयड ऑटो इज कनेक्टेड। और अब अगर आप देखेंगे मैं जब मेन स्क्रीन पे जाऊंगा, आप देख सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो यहाँ पे आइकन आ गया और ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो गया, जिसमें आप काफ़ी फीचर्स यूज कर सकते हैं। क्या क्या फीचर्स यूज कर सकते हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड्रॉयड ऑटो में क्या क्या फीचर्स है वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो होप आपको वीडियो क्लियर है एंड्रॉयड ऑटो कौन से केस में काम नहीं करता है। अगर एंड्रॉयड ऑटो का सेटिंग प्रोजेक्शन सेटिंग में ऑफ है तो वो आपको स्मार्ट लिंक पे लेके चले जाएगा जो फीचर अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्शन सेटिंग में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले ऑन करना है, उसके बाद सही जगह पे केबल लगाना है, अटैच करना है, तो ही आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करेगा।
काफी लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर देते जिसके मोबाइल में एंड्रॉयड ऑटो है ही नहीं। तो अगर एंड्रॉयड ऑटो नहीं है तो आपको एंड्रॉयड ऑटो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्पल के फोन में आपको ऐसा कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना नहीं पड़ता है, उसमें इनबिल्ट ही आता है। सो होप सारी की सारी डिटेल क्लियर है। थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी आपको आपको डिटेल्स चाहिए आप डेफिनेटली कमेंट करिए, या मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी है मेरे डिटेल में डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल पे, वहां पे भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।